तो रात को मगरिब के बाद ही मुझे सकी भाई ने बुलाया, जो जो स्पिनर खेल लेते हैं उन्होंने बुलाया बिठाया, और बातचीत बातचीत हमारी हुई कि आप कल खेल रहे हो, तो बस। सुकून से गुजरी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत सुकून से गुजरी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। शायद भाई ठीक बोल रहे हैं आप, यानी मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी जो फेवरेट विकेट है वो जो रूट और बेन स्टोक है, इन दो के मैंने नाम लिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अचीव करवा लिया। और ये कि जो खुशी है वो तो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। यार देखा जाए तो हम क्रिकेटर हैं, ये चीज़ें नहीं देखे तो ज़्यादा बेहतर है यार, कौन सी पिच कैसी है, क्या चीज़ कैसा है, हमें हर पिच में अपना 100% एफर्ट करनी पड़ती है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है, हमारा काम है मेहनत करना और एफर्ट करना। और ये पिच इतनी ज्यादा स्पिन जा रही है या उस तरह की ही है? अगर देखा जाए वहाँ वहाँ कोई एक स्पिन का एक टाइम होता था वहाँ जब स्पिन होता था, तो ये भी यानी स्पिनर को सूटेबल थी ये पिच जो थी। बाकी आप क्रिकेटर हो, आपको कोई सी भी पिच मिले आपने करना है, हर पिच पे आपने करना है। भाई आपको कैसा लगा पहला मैच अकेडमी में खेला, इतनी बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया में आपका नाम शुरू हो गया? बहुत खुशी हुई है, मुझे भी बहुत खुशी हुई है, उम्मीद करता हूँ वालदेन को भी बहुत खुशी हुई होगी, दोस्तों को भी और आप जैसे लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी। हमें याद है जब आपने कराची किंग्स के लिए डेब्यू किया था तो जो चेयरमैन साहब है उन्होंने आपको हैरी पॉटर का जो है खिताब दिया था, तो आज आपने उसी तरह मैजिक बॉल्स दिए, मैजिशियन क्या कहा जाए आपको? हाँ कराची किंग्स से 2017 में मैं खेला था, फिर अनफिट हुआ था, 1-2 साल मेरे बेड रेस्ट पे गुजरे, उसके बाद यानी ठीक कहा आपने, बस मैजिशियन तो नहीं, बस जो काम है वो कर रहा हूँ। यार जाहिर रूप से आपने क्रिकेट का आगाज किया तेज बॉल से, फिर आसिफ रिजवी मशहूर, और सब लोगों का बड़ा किरदार है आपको यहाँ तक पहुँचाने में, आप पहली आपने इन साथ खेले, दूसरी में क्या इरादा है और पूरे टेस्ट में कितनी आप लोगों की टारगेट बना के कुछ बोलना है? जी गोल तो बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह दूसरे इनिंग में भी पंजा लगाऊं और मेरे परफॉर्मेंस से मेरी पाकिस्तान की टीम जीते और खुशी हो। हाँ डिफ़िकल्ट तो होता है, बट अगर देखा जाए हमारे जो क्रिकेटर हैं, अगर हमारे प्लेयर हैं वो भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अगर आप देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी जितने प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी मुश्किल है, बट आप अगर अच्छे एरियाज़ को हिट करते रहो तो विकेटें मिल ही जाती हैं। आज आपने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्या सोचते हैं कि वनडे में या T20 में भी आप लाया जाए तो इसी तरह की आपसे? अगर देखा जाए मेरे पिछले 2 साल में यानी वाइड बॉल की वजह से मैं वाइड बॉल की क्रिकेट ज़्यादा खेलता हुआ आ रहा हूँ, मगर पिछले 2 सालों से मेरी रेड बॉल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जिस तरह हमारे कोच थे गुलाम भाई जिनके अंडर में मैं खेला, ये 3 डे वगैरह सिंध की तरफ से, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होती रही, फिर यानी कंटिन्यू 2 साल मेरी रेड बॉल में भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो मैं वाइड बॉल से रेड बॉल में आया हूँ, तो वाइड बॉल मेरी यानी वाइड बॉल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पहले मैं नाम से जी सारे को ब्राज सरान का सिंह ब्राजस क्रिकेट सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और डेब्यू के ऊपर और आपसे पूछना ही था कि आपके लगभग 12 से 13 फर्स्ट क्लास मैचेस थे एज अ ट्रॉफी, आपकी 76 विकेट्स थी इस सीजन में, आपने 43 विकेट्स थी 7 मैचेस में, और अब आपने 7 विकेट्स थी अपनी डेब्यू में, तो इन सारी विकेट्स के पीछे जो प्रोसेस था आपका लर्निंग का, वेरिएशंस का, उसके बारे में थोड़ी बात करें, कितना आपको फायदा हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने से, क्या क्या सीखा आपने, और सारी आपकी मुकम्मल 83 फर्स्ट क्लास विकेट्स में से बेन स्टोक्स वाली कितने रैंक करती है? या मैंने भी उसको ही बेन स्टोक की विकेट को ऐड कर दिया। जी आपने ज़्यादातर क्रिकेट सिंध की तरफ से खेली है, और पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो सरफराज अहमद ने आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, इस पर जो स्क्वाड में साथ दे जाने से पहले क्योंकि वो खुद तो फाइनल लेवल में नहीं गया, आपको उन्होंने कहा आपको टेबल? या सैफी भाई
सैफी भाई से वैसे ही अच्छा ताल्लुक है मेरा, यानी बहुत करीबी है सैफी भाई मेरे। तो सैफी भाई भी यही बता रहे थे कि अबरार इंशाल्लाह जब भी तुम खेलोगे तो घबराना नहीं है, जिस तरह सिंध के लिए खेल तो इसी तरह जाना है, जो आप सिंध की तरफ से करते रहो वही करते रहना, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज खसूसी बात यही की थी कि बस यही बोल रहे थे कि जो आपने खेला है सिंध की तरफ से इंशाल्लाह उसको ही अंदर लेके जाना है, ज़्यादा घबराना नहीं है और फोकस होके अपनी बॉलिंग करनी है। ओ इमोशन बारे के मैं बता के तो थक गया हूँ। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी है, इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता और इंशाल्लाह मज़ीद मुझे मौके मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत से आपको 10 विकेट दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरी जिस तरह मुझे जो ड्रेसिंग रूम में दोस्त यार थे उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट विकेट हम लोग को ऐसे लगता है कि बहुत यानी फेवरेट विकेट है, मगर मुझे जो फेवरेट विकेट लगी वो बेन स्टॉक की विकेट लगी। I don't know. पूछ रहे हैं कि मिस्ट्री स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो। मैं शुरू में तो थोड़ा शुरू में पूरा मिस्ट्री स्पिनर था, मगर अभी मैंने थोड़े लेग स्पिन पे भी यानी सीम लाइक मिस्ट्री स्पिनर हूँ, मगर मैं वो बॉल के साथ थोड़ा खेल रहा होता हूँ, कभी सीम से कभी यानी बॉल की ग्रिप चेंज करता रहता हूँ, बाकी तो मैं वही मिस्ट्री स्पिनर हूँ। हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं खेलूँगा, मगर बट जो जो हमारा डिसीजन होता है वो अच्छे के लिए होता है और अच्छा हुआ, यानी जो भी हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू। कोई बात